हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम मेथी की सब्जी महाराष्ट्रियन स्टाइल से बना रहे हैं। सब्जी की स्पेशलिटी ये है कि इसमें सिर्फ लहसुन, जीरा, हींग और मिर्च का इस्तेमाल करते हैं, बाकी कोई भी मसाले हमें यूज़ नहीं करनी है। कम समय में बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनती है, तो शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी सभी रेसिपीज़ पसंद आती है तो आने वाली सभी रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। सब्जी बनाने के लिए मैंने मेथी अच्छे से साफ़ करके रखी है, उसके बाद 3 से 4 पानी से इसे अच्छे से वॉश करके रखा है ताकि कोई भी कचरा या मिट्टी है वो सब निकल जाए। मैं यहाँ पे मेथी को कट नहीं कर रही हूँ, बिना कट के सिर्फ पत्ते तोड़ तोड़ के मैंने ये मेथी साफ़ कर ली है, उसी प्रकार हम बनाएंगे। मेथी अगर कट करके हम सब्जी बनाते हैं तो उसके पोषक तत्व सब निकल जाते हैं और कड़वापन आ जाता है, तो बिना कट के ही आप मेथी की सब्जी आप बनाएंगे। यहाँ से मैंने पानी से अच्छे से धो के रखी है। तो एक पैन में हमें 2 चम्मच ऑयल मैंने गरम भी कर लिया है। ऑयल गरम होते ही उसमें सबसे पहले हम डालेंगे 1/4 टीस्पून जीरा। जीरा भी अच्छे से चटक गया है, उसके बाद डालेंगे 1 चम्मच कुटा हुआ लहसुन डालेंगे। ये सब्जी के टेस्ट जो है ना, लहसुन से बहुत अच्छी आ जाती है। और एक सूखी लाल मिर्च डाली है, आप हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। और 2 चुटकी हींग डाला है। यहाँ पे सब्जी के टेस्ट अच्छे आने के लिए क्या करना है, लहसुन जो है ना अच्छे से ऑयल में यहाँ पे भून लेना है। उसका कलर चेंज होने तक हमें इसे भूनना है। गैस की फ्लेम मैंने यहाँ पे मीडियम टू लो रखी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर जो है ना चेंज होने लगा है, लहसुन का कलर ब्राउन हो गया है। तो अभी हमने जो मेथी वॉश करके रखी थी वो अभी हम ऐड करेंगे। बस इतने ही सामग्री इसमें डालनी है, कोई भी मसाला यूज़ नहीं करना है, कुछ नहीं। बहुत ही सिंपल तरीके से आप ये सब्जी बना रहे हैं, महाराष्ट्रियन स्टाइल से ये सब्जी हम आज बना रहे हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं। ये सब्जी की टेस्ट जो है ना लहसुन, जीरा और हींग से आती है। तो इसे अभी मिक्स कर लेते हैं और पानी का भी यूज़ नहीं करना है। ये पानी में हमने धो के रखी थी तो पानी तो ऑलरेडी थोड़ा सा इसमें रहता ही है, तो स्टीम पे ही अभी हम इसे पकाएंगे। तो गैस की फ्लेम अभी मैंने मीडियम टू लो रखी है। 1 मिनट के बाद आप देख सकते हैं मेथी की क्वांटिटी जो है ना बहुत ही कम हो चुकी है। तो इसे उसके बाद ही हम सॉल्ट डालेंगे ताकि प्रॉपर हमें जजमेंट आता है कितना सॉल्ट लगेगा। शुरू में अगर हम डालते हैं तो मेथी की साइज़ बहुत ज़्यादा लगती है, तो मेजरमेंट गलत हो सकता है। तो थोड़ा सा स्टीम आने के बाद हमें नमक डालना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे पैन को कर दिया है कवर। 4 से 5 मिनट तक मैंने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक किया है। उसके बाद हम चेक करेंगे, मेथी को ज़्यादा टाइम भी पकने में नहीं लगता है। 2 चम्मच यहाँ पे रोस्टेड पीनट पाउडर ऐड कर दिए हैं, टेस्ट बहुत अच्छे आ जाते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर ड्राई कोकोनट का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे मिक्स कर लेते हैं। आप क्वांटिटी देख सकते हैं मेथी की, हमने शुरू में डाला था तो बहुत ये भर के पैन भर के लग रही थी, और अभी पूरी तरह से पकने के बाद क्वांटिटी बहुत ही कम हो चुकी है। अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं और चेक करने के लिए एक स्टीम वाला कोई भी पार्ट लेना है, हाथ से प्रेस करके देखना है। अगर प्रेस हो जाता है अच्छे से तो मेथी खाने के लिए हमारी रेडी है। मेथी की सब्जी खाने के लिए बहुत ही हेल्दी है। आप इसे चपाती के साथ खा सकते हैं, ज्वार बाजरे की रोटी के साथ खा सकते हैं, दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, टिफ़िन में ले जा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आज हमने इस रेसिपी बनाई है। आप भी एक बार घर पे ज़रूर बना के देख लीजिए, सबको पसंद आएगा। रेसिपी पसंद आती है तो रेसिपी का लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसे न्यू एंड ईजी रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली सभी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपीज़ के साथ, तब तक हैप्पी रहो, हेल्दी रहो, टेक केयर, बाय बाय।